नमस्कार, आप देख रहे विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 100 दिनों तक बिना किसी अवरोध के चल रही थी। इन दिनों यात्रा राजस्थान में है। अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और गोविंद सिंह दोस्त्रा समेत तमाम बड़े नेता यात्रा में सफल बनाने में जुटे हैं। दौसा में लाखों की भीड़ कांग्रेस का उत्साहित कर दिया था, लेकिन आज बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीना ने अपने समर्थकों के साथ दौसा के बांदी कुएं में उसी पंडाल पहुंच गए जहां राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है। मीना और राजस्थान पुलिस काफी समय से नजर बनाए हुई थी, इंटेलिजेंस की भी नजर थी, लेकिन मीना अपने लोगों के साथ इंटेलिजेंस को विफल कर वहां पहुंच गए। किरोड़ी लाल मीना की ओर से राहुल गांधी को देने के लिए जो ज्ञापन तैयार किया गया है उसमें राजस्थान में हुए 6 पुजारियों की हत्या का जिक्र है, तो वहीं किसान कर्ज माफी की बात करते हुए लिखा गया है कि किसानों की जमीन कुर्क हो रही है, किसानों को नोटिस दिया जा रहे हैं। मीना ने लिखा है कि इस समय जिस जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसी दौसा जिले के रामगढ़ पचुआरा में किसान कजूर मीना ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे कुर्की का नोटिस मिला था। किरोड़ी लाल मीना ने अपने ज्ञापन राजस्थान सरकार से बेरोजगार युवाओं को प्रतिमा 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का मुद्दा उठाए हुए कहा गया है कि जो वादा किया गया है वो आज तक जमीन पर नहीं उतरा है और 40 लाख युवा धूल फांकने को मजबूर है। राजस्थान बेरोजगारी के मामले में भी 25% के साथ देश में पहले नंबर पर है। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीना ने रीट भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े और पेपर लीक का मुद्दा भी उठाते हुए आरोप लगाया कि पेपर बेचने का काम सरकार की ही कुछ लोग कर रहे हैं। अरे झंडा ने नीचे कर लो भाई, सामने झंडा है, झंडा है, अरे झंडा आ जा करो, एक पे एक पे बोले लंबे जाओ बोले लो।